नमस्कार, सुप्रभात। सभी का जो है पुनः एक बार जो है ग्रामोदय महाविद्यालय के प्लेटफॉर्म पर जो है स्वागत है। तो बीएड के अंतर्गत यूनिट अपनी 5 प्रयोजन मूलक हिंदी का नेक्स्ट जो टॉपिक है, पूर्व में जो है हमने समाचार लेखन और संपादन पत्रकारिता के जो है सिद्धांतों के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। तो अब जो है नेक्स्ट बिंदु जो है यानी जैसे यूनिट 5 की वो है पत्रकारिता के प्रकार। क्या है पत्रकारिता के? पत्रकारिता पत्रकारिता के प्रकार। तो पत्रकारिता अर्थात पत्रकार लेखन के दौरान जो है पत्रकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो अलग अलग जो है प्रकार से, विविध प्रकार से जो है जैसे लेखन जो है शैलियाँ होती हैं जिनमें जो है कुछ पत्रकारिता के जो प्रकार हैं वो जो है हम आज देखेंगे, जिसमें जो है सबसे यूँ तो बहुत सारे जो है पत्रकारिता के जो है प्रकार हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारे परीक्षा उपयोगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको हम जो है आज कुछ जो है यानी जैसे पत्रकारिता के जो है प्रकार जिसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख हैं जिसका नाम है खोजपूर्ण पत्रकारिता। कौन सी पत्रकारिता? खोजपूर्ण पत्रकारिता, खोजपूर्ण पत्रकारिता। खोजपूर्ण जो पत्रकारिता है पहला जो है यानी जैसे हम पत्रकारिता के प्रकार के अंतर्गत जो है जैसे इसको जो है हम जानेंगे इसके बारे में जो है जैसे। तो खोजपूर्ण पत्रकारिता से जो है आशय ऐसी पत्रकारिता से हैं यानी खोजपूर्ण पत्रकारिता से अभिप्राय हैं अर्थात उसे कहा जाता है जिसमें गहराई से जो है क्या किया जाता है छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को जो है सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का जो है क्या किया जाता है प्रयास किया जाता है। तो खोजपूर्ण पत्रकारिता जो है क्या यानी ऐसे जो है ऐसी खबर या ऐसे ऐसी कोई घटना होती है जिसको क्या किया जाता है यानी जैसे गुप्त रखने का जो है प्रयास किया जाता है, सार्वजनिक जो है नहीं किया जाता है। तो खोजपूर्ण पत्रकारिता जो है क्या करती है इस प्रकार के जो है यानी जैसे विषय होते हैं या घटनाएं होती हैं उनको जो है यानी जैसे सार्वजनिक अर्थात जैसे प्रस्तुत सभी के सामने जो है लाने का प्रयास इस खोजपूर्ण पत्रकारिता के द्वारा जो है किया जाता है। तो देखिए आमतौर पर जो है खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक जो है महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार हैं, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को जो है सामने लाने का जो है सामने लाने का जो है जिसके द्वारा प्रयास किया जाता है अर्थात कोशिश जो है ये खोजपूर्ण पत्रकारिता द्वारा किया जाता है या करती हैं। तो खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है, इस परिस्थिति में होता है अर्थात उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जब यह लगे कि जो है सच्चाई को जो है सामने लाने के लिए अब कोई उपाय नहीं है, मात्र जो है जैसे किसी भी प्रकार का कोई जो है कोई भी प्रमाण या जैसे नहीं रहता है तो फिर खोजपूर्ण पत्रकारिता के द्वारा जो है तथ्यों को जो है जो रहस्यमय होते हैं या जैसे जिनको छुपाने का प्रयास किया जाता है उनको जो है जैसे इस पत्रकारिता के द्वारा जो है सामने लाया जाता है। जब यह जो है लगे कि सच्चाई को जो है सामने लाने के लिए जो है कोई उपाय नहीं रह गया है तो खोजी पत्रकारिता ही एक नया जो है रूप नए रूप में जो है यानी टेलीविजन में जो है जिसको स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जो है सामने जो है लाया जाता है।
या जैसे सामने जो है प्रस्तुत किया जाता है या जैसे सामने रखा जाता है। तो खोजी पत्रकारिता जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। ये जो है हमारे भारत में, हालांकि जो है भारत में जो यानी जैसे खोजी पत्रकारिता यानी कुछ ही दशक पूर्व जो है यानी जैसे ये शुरू की गई है, लगभग जैसे 20 से जो है 30 दशक 20 से 30 दशक पूर्व ही 20 से 30 दशक दशक पूर्व ही जो है भारत में यानी जैसे ये जो है आरंभ की गई है। लेकिन हमारे देश में जो है अब तक जो है इस खोजी पत्रकारिता का यानी जैसे शैशवकाल ही जो है चल रहा है। अर्थात ये जो है यानी जैसे विकासशील हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि भी विकसित रूप से जो है खोजी पत्रकारिता अभी भी जो है इसके ऊपर जो है क्या काम जारी है और चल रहा है। जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता जो है बरती जाने लगे और जो है भ्रष्टाचार व्यापक स्तर पर जब होना शुरू हो जाता है, तो इस खोजी पत्रकारिता के द्वारा ही एकमात्र जो है उपाय रह जाता है कि उपाय रह जाता है कि विकल्प बचता है कि इस पत्रकारिता के द्वारा जो है जो छुपे हुए तथ्य हैं उनको जो है यानी जैसे प्रस्तुत या जैसे पेश किया जाता है। तो खोजी पत्रकारिता जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है यानी जैसे इसका स्थान है भारत में भी जो है अब जो है यानी खोजीपूर्ण पत्रकारिता के लिए जो है बहुत सारे जो है इसके जो लेखक हैं वो अब इनकी संख्या जो है वर्तमान में जो है यानी जैसे जितनी पर्याप्त होनी चाहिए उसके अनुसार जो है बढ़ रही हैं। तो नेक्स्ट जो है पत्रकारिता का जो प्रकार है अपना दूसरा वो माना जाता है जिसको कहते हैं विशेषीकृत पत्रकारिता। विशेषीकृत पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता। तो ये जो है यानी जैसे पत्रकारिता का जो है दूसरा प्रकार है जिसे विशेषीकृत पत्रकारिता कहा जाता है। तो पत्रकारिता का अर्थ जो है घटनाओं की क्या देना सूचना देना मात्र जो है नहीं होता है। सूचना तो दी जाती है लेकिन इसका एकमात्र उद्देश्य जो है ये नहीं होता है कि केवल जो है सूचना दे दें। तो पत्रकार से जो है अपेक्षा की जाती है, पत्रकार से जो है आशा की जाती है कि वे घटनाओं की जो है तह तक जाकर क्या करें उसके जो है जैसे छानबीन करें और उसके तह तक जाएं, उसका पूर्ण रूप से जो है पता लगाएं और उसका जो है अर्थ स्पष्ट करें और आम पाठक को जो है बताएं कि आम जो भी पाठक हैं उनको क्या बताएं, आम पाठकों को बताएं कि उस समाचार का जो है क्या महत्व है जो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत जो है लिखा गया है या जैसे आता है, तो उसका महत्व जो है जैसे प्रकट करना जो है आवश्यक होता है। इसके लिए जो है विशेषताओं की जो है आवश्यकता महसूस की जाती है। अब विशेषताओं की जो है आवश्यकता महसूस की जाती है तो पत्रकारिता में जो है विषय के हिसाब से विशेषताओं के जो है मुख्य रूप से जो है प्रमुख रूप से सात जो है क्षेत्र सात क्षेत्रों को जो है इसमें सात क्षेत्रों को इसमें जो है प्रमुखता से जो है अपनाया जाता है या जैसे इसमें महत्व दिया जाता है। तो वो कौन से जो है सात क्षेत्र हैं तो देखिए इनमें जो है अपने सात क्षेत्रों में देखो नंबर एक जो है वो है आपके संसदीय पत्रकारिता। नंबर एक संसदीय पत्रकारिता। नंबर दो न्यायालय पत्रकारिता। तो न्यायालय पत्रकारिता, फिर हो गई आर्थिक पत्रकारिता और चौथी हो गई आपके खेल पत्रकारिता, पांचवी विज्ञान पत्रकारिता
और विकास पत्रकारिता। तो ऐसे करके जो हैं, जैसे इसके जो हैं सात जो हैं भेद प्रमुख जो हैं क्षेत्र माने गए हैं। तो आर्थिक हो गई, खेल हो गई, विज्ञान, आर्थिक, पत्रकारिता, खेल, पत्रकारिता, विज्ञान, पत्रकारिता और इसी के अंतर्गत जो हैं आर्थिक हो गई, ये हो गई और विकास पत्रकारिता नंबर 6 है, विकास पत्रकारिता। विकास पत्रकारिता और जो अंतिम सातवां है वो है आपके अपराध, अपराध व फिल्मी पत्रकारिता, फिल्मी पत्रकारिता। तो ये जो है सात जो है क्षेत्र यानी विशेषीकृत जो है पत्रकारिता के जो है अंतर्गत, यानी इनको महत्व जो है दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या, उन विषयों में जो है विशेषता हासिल किए बिना जो है यानी जैसे कठिन है। तो अर्थात इन क्षेत्रों में जो है विशेष रूप से जो है यानी जैसे मैं पारंगत होना आवश्यक है, बिना जो है यानी जैसे इन विषयों के जो है जानकारी के जो है हम क्या नहीं कर सकते, विशेषीकृत जो है पत्रकारिता को हम विशेष रूप से जो है विशेषीकृत पत्रकारिता पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से इसी पत्रकारिता के अंतर्गत जो है इसका जो है तीसरा प्रकार है वो है वॉच डॉग पत्रकारिता। तीसरा जो प्रकार है जिसका नाम है वॉच डॉग पत्रकारिता, पत्रकारिता, वॉच डॉग जो है पत्रकारिता, ये तीसरा जो है प्रकार है इसका पत्रकारिता का। तो वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत जो है क्या होता है, यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य जो है उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर जो है निगरानी रखना या निगाह रखना होता है, और कहीं भी जो है कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना यानी वॉच डॉग पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। इसे परंपरागत रूप से जो है वॉच डॉग पत्रकारिता के नाम से जो है जाना जाता है या पुकारा जाता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है। तो ये देखने में आता है आमतौर पर कभी जैसा जो है सरकार चाहती है तो मीडिया जो है उनका अनुसरण करती है और उन्हीं के अनुसार जो है वो क्या करती हैं समाचारों को प्रस्तुत करती हैं। सरकार चाहती हैं और अपने जो है आलोचनात्मक पक्ष का जो है वो क्या करते हैं परित्याग करवा देते हैं। तो आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच में तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत जो है काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण जो है इसके द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा वॉच डॉग पत्रकारिता के द्वारा। नेक्स्ट जो प्रकार हैं और चौथा प्रकार आपके हैं एडवोकेसी पत्रकारिता, जिसको कहा जाता है एडवोकेसी पत्रकारिता, पत्रकारिता। अब इस पत्रकारिता के अंतर्गत जो है क्या होता है, कभी ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर जो है आगे बढ़ते हैं। तो किसी एक विचारधारा, मुख्य विचारधारा होती है या कोई जो है विशेष संगठन होता है तो वो क्या करता है खास उद्देश्य और मुद्दे को उठा करके जो आगे बढ़ता है, और उस विचारधारा और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार पुरजोर से जो है क्या करता है अभियान चलाते हैं। इस तरह से पत्रकारिता को पक्षधर या जो है
एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। तो इस पत्रकारिता को जो है यानी पक्षधर पत्रकारिता के, पक्षधर पत्रकारिता के रूप में भी जो है यानी जैसे हम जान सकते हैं। तो एडवोकेसी जो है पत्रकारिता इसी का दूसरा नाम है आपके पक्षधर पत्रकारिता। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में जो है कुछ समाचार पत्र और टेलीविजन चैनल जो है खास मुद्दे पर जो है जनमत बनाने के लिए सरकार को क्या करते हैं, सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए जो है अभियान चलाते हैं। क्या करते हैं? सरकार के जो है अभिक्रिया जो है व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, अभियान जो है पुरजोर पर जो है अभियान जो है चलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो है हम कह सकते हैं जैसे कि जेसिका हत्याकांड में न्याय के लिए जो है समाचार माध्यमों ने जो है सक्रिय क्या चलाए थे, अभियान चलाए थे। और फिर जो है जैसे इसका जो निर्णय है वो उसमें जो है जैसे अहम भूमिका जो है निभाई गई थी। तो ये क्या है? एडवोकेसी पत्रकारिता। तो नेक्स्ट जो है वो पांचवा जो है प्रकार वो है वैकल्पिक पत्रकारिता। पांचवा जो है क्या है? वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक पत्रकारिता वैकल्पिक पत्रकारिता के अंतर्गत जो है क्या होता है? मीडिया जो है स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्से के रूप में होती हैं और व्यवस्था के साथ जो है क्या करती हैं, तालमेल बिठाकर जो है चलने वाले मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और जो है आलोचना के एक निश्चित जो है दायरे में ही काम करना चाहता है या जैसे काम करता है या काम करना जो है पसंद करता है। इस तरह जो है आलोचना के एक निश्चित दायरे में जब काम किया जाता है तो मीडिया का जो है स्वामित्व आमतौर पर मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर जो है बड़ी पूंजी के पास जो है होता है और वह मुनाफे के लिए जो है काम करती हैं। क्या करती हैं? मुनाफे के लिए जो है काम करती हैं। उसका मुनाफा मुख्यतः जो है किससे होता है? विज्ञापनों से होता है। तो विज्ञापनों की जो है इसमें क्या रहती हैं? भरमार रहती हैं। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को जो है सामने लाने और उसके अनुकूल जो है सोच को क्या किया जाता है? अभिव्यक्त किया जाता है या प्रकट किया जाता है, उसे वैकल्पिक जो है पत्रकारिता के तौर पर जो है जाना जाता है। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का जो है समर्थन हासिल नहीं होता है। अपने बड़े कंपनियों के विज्ञापन भी मिलते हैं और वह अपने पाठकों के जो है सहयोग के ऊपर जो है निर्भर रहता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो है यूनिट जो पांच हैं पेपर सेकंड की प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत पूर्ण होती हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो जो आएगा वो अपनी जो है यानी जैसे आगे वाली जो है यूनिट का जो है हम करेंगे। धन्यवाद।